कल रात लगभग 10:30 बजे मेरे द्वारा किसी व्यक्ति की परेशानी के बारे में थाना अध्यक्ष कन्हैया संजय शर्मा को फोन किया था, पर वह नशे में धुत होकर बोल रहा था कि मेरे बोलने पर कहा कि वह सरकार चोरों की है और अंधेरे में काम कर रहा हूँ और तुम फ़ोन करके परेशान मत करो। मेरे द्वारा यह पूछने पर पता कि मैं कौन बोल रहा हूँ तो कहा कि चोर विधायक और हमने तो योगी से भी यह कह दिया है और मैसेज दे दिया है देकर तुम्हारी सरकार जा रही है। तुम्हें पता नहीं मेरा भाई केंद्रीय मंत्री है महेश शर्मा, उसने मुख्यमंत्री जी समेत पार्टी के बारे में अश्लील टिप्पणी भी की और मेरे द्वारा घटना को तत्काल DGP समेत उच्च अधिकारियों को अवगत भी करा दिया गया है। संजय शर्मा प्रतापगढ़ में सपा शासन काल से ही कार्यरत दरोगा है और उसके बारे में क्षेत्र के जनता में बहुत ही रोष है क्योंकि वो दारू पीकर आम जनता को परेशान करता है, बद्दी बद्दी गालियां देता है। जब मेरे जैसे व्यक्ति को उसने इस तरीके से बात कर रहा है तो आम जनता से क्या बात करता हूँ। उन पर विधायक संगम लाल गुप्ता ने एक पत्र लिख करके DGP को कहा है कि आपके सो हमको गाली देते हैं फ़ोन करने पर, समस्याओं को अवगत कराने पर चोर कहते हैं, तो ये मामला क्या संज्ञान में है आपके और कुछ कार्रवाई की बात चल रही इसमें क्या? हाँ, ये प्रकरण कल मीडिया के माध्यम से भी संज्ञान में आया था और इसके अंदर हमने जो अपर पुलिस अधीक्षक को भी हमको जाँच दे दी है, तो पूरे प्रकरण की इसमें गहनता से जाँच कर रहे हैं, उसके बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी। इसके पीछे कारण क्या? इसके पीछे कारण अब ये जांच का विषय है और आगे जब विधायक जी से भी एक बार हम लोग वार्ता कर लेंगे और इनसे भी पूरी हम लोग बयान कर लेंगे, पूछताछ कर लेंगे, तो उसके बाद चीज़ें थोड़ी और स्पष्ट होंगी। ठीक है।